हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर जेमिन सिंह राव एंड आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज की वीडियो है दोस्तों पेन के लिए। एक पेन क्या चीज़ है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आप सब जानते हो कि कुछ भी काम है वो पेन से होता है। विदाउट पेन हम एक पढ़ाई है या कुछ ऑफिस वर्क है, पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दोस्तों, आज मैं पढ़ते पढ़ते एक मुझे ख्याल आया और मैंने उसमें क्या किया और मैं आपको इस छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में आपको शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके पास में मोस्ट ऑफ जो आप देखोगे तो उनके पास में आईपैड और जो टैबलेट्स जो है, अपने टैबलेट है, आईपैड है, वो उसमें क्या होता है कि एक पेंसिल दे दी जाती है। आजकल सैमसंग के भी आप देखोगे तो, और वो एक्सपेंसिव रहती है, काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है। तो मैंने देखा कि वो हम ओरिजिनल जो रहती है सैमसंग की या एप्पल की, वो एक बहुत महंगी रहती है, तो उसको खरीदना एक डिफ़िकल्ट रहता है। एज ए नॉर्मल हम उसका काम विदाउट उसके भी, मतलब पेंसिल के भी चला सकते हैं। तो एक इसी को मैं आप इस वीडियो में अल्टीमेटली बताऊंगा। पर देखो दोस्तों कि एक हम पढ़ाई करते हैं या कुछ ऑफिस वर्क करते हैं, आजकल आईपैड में करते हैं या फ़ोन में करते हैं, तो हमें अपना जो ब्रेन के जो सेंसरी स्टिमुलस है, मतलब जो मेमोरी पावर रहता है, वो कभी कभार हम देखते हैं कि मैं पढ़ता हूँ पर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहता है, मैं पढ़ता हूँ पर मुझे तुरंत ही अगले दिन या चार पांच दिन में भूल जाता हूँ। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हाउ वी रिमेंबर अ टॉपिक, अ थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम कैसे एक टॉपिक को हम लंबे समय तक याद रखें, वो सिर्फ ऐसे इसी चीज़ से हो सकता है कि हमारी जो शरीर की सारी इंद्रियाँ है, एक तरीके से हम पूरा फोकस उस चीज़ पर करें और उसको समझें। अब समझ में कैसे आएगा, तो एक सेंस, एक मैं लाइव में बताऊंगा फोटो, उससे हम देखेंगे कि जो ब्रेन के कॉर्टेक्स हैं किस तरह। हम इस इमेज में देखेंगे कि क्या हमारे ब्रेन में, किस हिसाब से हमारे ब्रेन में सारे जो पार्ट है वो कैसे सेंसेस काम करते हैं। मतलब बेसिक ऊपर ऊपर ये है कि जैसे हम सेंसरी होमनक्यूलस क्या कहता है कि बॉडी पार्ट्स रिप्रेजेंट्स ऑन सेंसरी कॉर्टेक्स बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ यूसेज। मतलब कि बॉडी पार्ट जितना यूज होगा उसके हिसाब से डिवाइड करा गया है। जैसे कि मैक्सिमम लिप्स और थंब, मतलब अंगूठा और ये लिप्स जो है अपने, वो ज़्यादा मतलब यूसेज में रहते हैं, और मिनिमम हिप, ट्रंक और बैक। तो जैसे आप अगर कुछ भी, मैं आपको समझाता हूँ एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, मैं अगर आपको समझाऊंगा तो, और तो मुझे एक अच्छा व्यू मिलेगा, एक ब्रेन में अच्छा इमेजिनेशन पावर रहेगा और उसको इमेजिनेशन से मेरा ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी बना सकता है। जैसे कि मैं कुछ टॉपिक पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ याद कर रहा हूँ चीज़ें, और पहली बार अगर मैं उसको पढ़ता हूँ जैसे कि, तो इसमें ये जैसे हैंड अगर मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो मुझे जो मेमोरी पावर है मेरी वो लॉन्ग टर्म रहेगी। जैसे हैंड इस पार्ट में रहता है, ये कॉर्टेक्स है, तो उसके हिसाब से जैसे ब्रेन का ये पूरा इमेज है, तो इसमें आप देख सकते हो कि हैंड, फिर ये हाथ की सारी उंगलियाँ बताइए, जैसे लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब, तो ये पार्ट्स है। और जब हम कोई चीज़ को, एक पॉइंट को हम पॉइंट बना के पढ़ते हैं, मतलब कोई भी एक टॉपिक है उसको पॉइंट के फॉर्म में पढ़ते हैं, हम मोबाइल पे या अपने कुछ अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो मोबाइल पे, तो एक हमारा कंसंट्रेशन मिस नहीं होता है और कंसंट्रेशन से हम काम कर पाते हैं, जिससे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी रहती है। तो एक ऐसी पेन हमको रखनी बहुत ज़रूरी है अपने स्क्रीन को यूज़ करने के लिए। तो अब जैसे बहुतों के पास में तो अच्छा पैसा है तो वो एक्सपेंसिव, उनकी हिसाब से वो एक्सपेंसिव पेंसिल खरीद सकते हैं, पर एक यूनिवर्सल एक चीज़ है जो एकदम साइंटिफिकली बनाई है ये पेंसिल, और कैसे बनाई है मैं आपको पूरा वीडियो फॉर्म में बताऊंगा। तो वो फुल स्क्रीन पे काम कर सकती है और इजी वे में, तो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसका क्या यूजेज है, आप ऐसा सोच रहे होंगे दोस्तों कि कुछ मैं कुछ एडवर्टाइज के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ या कुछ पेंसिल सेल करने के लिए बना रहा हूँ। नो, आप खुद अपने हाथों से घर पे बना सकते हो बाय सिंपल मेथड, और सिंपल ट्रिक्स है उसकी। सबसे पहले आपको एक कॉटन लेना है, रुई जो रहती है कॉटन, छोटा सा एकदम बिल्कुल इतना सा कॉटन, और इतना हल्का सा आपने दिया करते हैं, इतना सा हल्का सा। एक कोई भी आपकी पेन होगी जो मतलब ख़त्म हो गई होगी, उसकी साई रिफिल ख़त्म हो गई होगी, तो वो आप ऐसी अच्छी सी पेन आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। एक आपको कॉपर वायर लेना होगा। अब आप पूछोगे कॉपर वायर क्या, अगर आपका कोई पुराना मोबाइल फ़ोन का चार्जर का पिन छोटी सी है
ऐसी कॉपर वायर, उस पर छोटी सी इतनी कॉपर वायर, हल्की सी एकदम, जो नेगेटिव टाइप है एकदम माइनर, एकदम दिखे ऐसी हो तो भी, जैसी भी हो मतलब कॉपर वायर चाहिए होगा चार्जर में। आप, मैंने जैसे चार्जर की पिन में से निकाला, ऐसे आप भिन्न भिन्न तरीके से निकाल सकते हो। और एक छोटा सा ढक्कन भर के पानी चाहिए। ये चार जो है ये तत्व मिलेंगे, तो मतलब चार चीज़ें जो ये मिलेगी, इन चार चीज़ें से ये पेंसिल या पेन, जो भी कहो आप, पेन टच स्क्रीन मोबाइल पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बना के दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे मैंने बात करी कि एक एक्सपायर पेन, जैसे ये है इतना सा कॉटन नॉर्मल, ये चार्जर में से निकाला हुआ कॉपर वायर और एक ढक्कन भर के पानी, ये चार तत्व हैं जो जरूरी थे। अब आगे देखेंगे, जैसे बात करें, जैसे जिस हिसाब से मैं कॉपर के, इस कॉपर के तार को, जो कॉपर वायर है, इसको मैं रुई के पूरा कॉटन के में से राउंड टू राउंड घुमा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो, इसी तरीके से आपको घुमाना है। जैसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ, मैं और इसको जो इसकी जो आगे की चोंच है वो नुकीली बनानी है, जिससे आपको एकदम फाइन लिख पाओगे। और जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने पेन लिया, पेन का ढक्कन आउट किया और इसमें पहले वायर डालना है। जैसे मैं डालूँगा तो ये लंबा जो वायर का एंड है वो पहले डालना है। जैसे इसमें डाला मैंने, आप देख सकते हो, और इस तरफ से मैंने निकाला, वायर का एंड डालने के बाद मैं इसको एकदम फिट कर दूंगा। थोड़ा कॉटन बच भी गया है, पर अपने माइनर कॉटन चाहिए एकदम। जैसे ये मैंने एकदम फिट हुआ सिंपल, और इसकी हल्की सी चोंच निकाली मैंने, जो एकदम फाइन लिखने के लिए काम आएगी, देख सकते हो आप। तो इसको थोड़ी चोंच निकाली, यस वेरी गुड। और वैसे ही हम आप करते जाओ, और हम अब देखेंगे कि किस तरीके से वो पेन का दूसरा एंड है उसको हम फिट करेंगे एकदम मशीन में घुमा के। अब इस वायर को हमको, पेन को सारे बॉडी के पार्ट में उसको फैला देना है गोल घुमा के, जैसे कि आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और जितना आप ले जाओगे, ये पूरा साइंटिफिकली है इसमें, इसलिए क्योंकि जैसे आप इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, अपने हाथ के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो रहती है, जैसे हम ईसीजी भी हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं हाथों से, ये मोबाइल में ट्रांसफ़र, या कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, जिससे क्या है कि टच स्क्रीन सपोर्ट कर जाता है। और इसको हम एंड तक ले जा रहे हैं, क्योंकि जितना एंड तक रहेंगे तो उतना हम पीछे से इस पेन का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे हम अच्छे से फिट करूंगा मैं, जैसे, और हाथ आगे रख के मैं ऐसे फिट करता रहूं, देख सकते हो इसके हिसाब से, आपके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आर्ट की कोई कमी नहीं है। और अब मैं बताऊंगा, जैसे ये रेडी हो गया पेन, जैसे मैं मान लो जिमाई जियो ऐप खोल रहा हूँ, पर इसमें ऐसे डायरेक्ट करूँगा तो इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने जैसे कहा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको थोड़ा पानी जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने हल्का सा पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये पानी ऐड करने के बाद में थोड़ा सा अब हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे इसके ये फ़ोन है, देख सकते हो दोस्तों, ये पेन रेडी है, जैसे मैं यहाँ जैसे ये कर रहा हूँ। तो अब जैसे इसमें मैं नोट्स बनाऊँगा, और आप इजीली लिख सकते हो, डिपेंड ऑन योर आपके पेंसिल हिसाब। जैसे मैं इस पेंसिल को मैं चूज़ कर रहा हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ, सब्सक्राइब प्लीज़, कुछ भी ऐसे आप, जैसे इसको फिर हाईलाइट भी कर सकते हो। तो आपके मोबाइल में ये सिस्टम है, बस हमको इस पेन सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, इसका इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये नहीं चलता है। अपनी जैसे उंगली वर्क करती है वैसे ये काम करता है, जैसे कि कुछ भी आप ऐप खोलो, चैट जीपीटी खोलो, कुछ भी इसको क्वेश्चन पूछो अपने
ही मीन्स ऐसा कुछ भी, मतलब क्वेश्चन पूछो तो आप आराम से टाइप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो इतना अच्छा है, इसमें फंक्शन है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बनाई है, एक ये है, एक ये है, ऐसे आप भी बना सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी थोड़ा सा कुछ दिमाग और आपका काम हो सकता है। आप ये सोच रहे होगे कि यार ये पानी की जरूरत पड़ेगी बार बार, अगर इसका भी एक व्यवस्था है, अगर आप इसका पीछे का ढक्कन खोलो और इस पर आप पानी डाल दो, 4-5 बूंद डालोगे, एक हफ्ते तक आपको पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी ऐसे आप हल्का सा पानी कहीं पर भी होता है, पानी हर जगह है, मतलब जहाँ पे अपने अपने पीने का पानी है उसका ढक्कन बोतल का निकाल के थोड़ा सा 1-2 बूंद ही चाहिए उसको। आप ऐसा सोचो कि यार बार बार पानी का कौन मेंटेनेंस करे, तो ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं है, इजीली पानी कहीं पे भी मिल जाता है, अपने पानी का इतना भी नहीं चाहिए, 2 बूंद चाहिए सिर्फ इसको। अगर ज़्यादा आप स्टोर करके भी रख सकते हो, इस ढक्कन को खोलो और इस ढक्कन के पीछे आप आराम से नल के पास में 2-4 बूंदें डालो और स्टोर रखो, तो आपको 1 हफ्ते तक इसमें पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बेटर क्या है, आपके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, थैंकिंग यू टू वॉच मोर वीडियो लाइक दिस इन माई यूट्यूब चैनल, और धन्यवाद अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू।